क्या हो, मैं आपको बोलूं बीजीएमआई में आप लोग 3 दिनों के अंदर अंदर कॉन्करर कर सकते हो। जी हाँ, आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही मैं आप लोगों को अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप लोग काफी ज्यादा इजीली रैंक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इन ग्लिच एंड टिप्स एंड ट्रिक्स का सही तरीके से यूज किया तो आप लोग काफी ज्यादा इजीली हैकर को भी किल कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इसका सही तरीके से यूज नहीं किया तो आप लोग खुद भी किल हो सकते हो। इन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच को कैसे यूज करना मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम कर लेते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 के अंदर मैं आपको बताऊंगा भैया ये शेल्टर की गुफा के आउटसाइड कैसे जा सकते हो। देखो मैं तो इस लोकेशन पे हूँ, लेकिन आप लोग ये कैप्सूल कार लेके शेल्टर की कोई भी गुफा के जो गेट है वो गेट पे आ जाना होगा। और आज की वीडियो जो है ना भाई टॉप 10 है ना भैया पूरी की कैप्सूल कार के ऊपर होने वाली है, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे कार कुछ इस तरह से लगाने के ऊपर कार के ऊपर चढ़ जाना होगा, ठीक है। और आपको देखो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एक्जैक्टली खड़े हो जाना होगा। यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाओ तो आप लोग यहाँ पे एफपीपी स्विच कर लेना होगा। एफपीपी स्विच करने के बाद भैया आप लोग है ना कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्लिच होना स्टार्ट हो जाओगे। जैसे ही कुछ इस तरह से ग्लिच होना स्टार्ट होना, राइट साइड नीचे की तरफ अंगूठे से स्क्रीन को घुमाना होगा। अब भाई जैसे स्क्रीन घुमाओगे तो देखो यार आप लोगों के साथ है ना कुछ इस तरह से ग्लिच होने लग जाएगा। तो जैसे ऐसे ग्लिच हो तो आपको क्राउच का बटन दबा देना होगा और जॉयस्टिक को आगे की तरफ पुश करना होगा, ठीक है। तो आप लोग काफी ज्यादा इजीली ये जो शेल्टर की के आउटसाइड चले जाओगे। अब भाई यार आप लोग है ना यहाँ पर काफी ज्यादा इजीली रैंक पुश कर सकते हो। और अगर मान लो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप लोग कुछ इस तरह से जंप करके जो डैश वाला पावर है भैया ये यूज करके आप लोग काफी ज्यादा इजीली एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे मूव कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग अंदर तो आ चुके, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कुछ इमरजेंसी पड़ जाए और आपको बाहर निकलना तो आपको क्या करना होगा, ये जो पानी देखने को मिल रहा है इस पानी के अंदर आप लोगों को ना जंप लगाने होगा, आप लोग काफी ज्यादा इजीली बाहर आ जाओगे। देखो यहाँ पे मैं बाहर आते ही यहाँ पे मैंने भी 2 किल कर लिए। चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जो बंदा भाई शेल्टर की गुफा के बाहर की साइड जाना चाहता है तो गाड़ी वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही वो गाड़ी के पीछे खड़ा रहना, आपको गाड़ी के अंदर बैठ जाना, पीछे वाला बटन दबा के रखना, नहीं दबा के रखोगे तो भी चलेगा। अब यार वो ग्लिच होकर अंदर की तरफ चला जाएगा शेल्टर की गुफा के, ठीक है। तो यार देखो ये ट्रिक है ना ये मेरे पास सोलो में भी ट्रिक है और ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है। अगर आप लोगों को शेल्टर की गुफा के आउटसाइड सोलो में जाना है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। बाकी तो यार आप लोग ये देख ही सकते हो। नंबर 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा यार कभी भी आपके पास फ्लाई वाली पावर नहीं रहती और हॉस्पिटल पे बंदे रहते तो आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ से जंप लगा के जैसे ही बूस्ट दबाओगे तो आप लोग काफी ज्यादा इजीली हॉस्पिटल के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पे जो भी बंदे रहेंगे आप लोग उनके ऊपर रश कर लोगे काफी ज्यादा इजीली। पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है भाई यार यहाँ पर देख सकते हो इस वाली लोकेशन के ऊपर यहाँ पे देखो कभी कभी लास्ट सर्कल भी बनता है तो यहाँ पे कैप्सूल कार से ग्लिच वर्क करता है। तो आप लोगों को कैप्सूल कार लेकर आ जाना होगा यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना होगा जिस तरह से यहाँ पे देखो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई देखो जैसे आप लोगों का एक बार यहाँ पे कैप्सूल कार परफेक्ट लग गया, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फिर कैप्सूल कार है ना इसके पीछे की तरफ आप लोगों को चढ़ जाना होगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। फिर भाई यार अपने टीममेट को बोलना होगा ये जो कैप्सूल कार के अंदर बस आके बैठ जा कुछ मत कर। जैसे ही वो बैठ जाए आप लोग एफपीपी स्विच कर लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब भाई यार आप लोग जैसे एफपीपी स्विच कर लोगे देखो आप लोगों के साथ कुछ ग्लिच होएगा और अंदर का जो हॉस्पिटल रहेगा अंदर का हॉस्पिटल का बिल्कुल आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे व्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यार जब भी लास्ट सर्कल यहाँ पे हॉस्पिटल पे बने तो ये ट्रिक एक बार जरूर ट्राई करना, क्या पता आपका कुछ काम आ जाए ये वाला ग्लिच। पॉइंट नंबर 4 के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली इस लोकेशन पे अगर लास्ट सर्कल बनता है, ठीक है, तो सामने वाले घर में बंदे होते तो आप लोग कैप्सूल कार को कुछ इस तरह से यहाँ से सीधा जंप करवा के इस घर के अंदर जो भी बंदे रहे ना भाई आप लोग काफी ज्यादा इजीली उन बंदों के ऊपर रश कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली इस लोकेशन पे अगर मान लो यहाँ पे स्कोडा उस पर आपकी फाइट चल रही हो तो आप लोग फटाफट से कैप्सूल कार उठाओ और भाई जैसे मैं लेके जा रहा हूँ एक्जैक्टली यहाँ से जंप करवा के सीधा के सीधा ये जो स्कोडा उस है इस स्कोडा उसके ऊपर काफी ज्यादा इजीली आप लोग रश मार सकते हो। पॉइंट नंबर 6 के अंदर भाई यार इस वाली लोकेशन के ऊपर जो पेट्रोल पंप है ना यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में आप लोगों को कैप्सूल कार भगाते हुए ले जाना होगा। अब भाई जैसे यहाँ पर आओ ना तो आप लोगों को बूस्ट मार लेना होगा, यहाँ से एग्जिट कर लेना होगा, आप लोग काफी ज्यादा इजीली ये जो पेट्रोल पंप है इस पेट्रोल पंप के ऊपर आ जाओगे। पॉइंट नंबर 7 के अंदर आप लोगों को है ना यहाँ पर आ जाना होगा पोचिंग के चर्च के पास। अब भाई जैसे मैं लेके जा रहा हूँ कैप्सूल कार को एक्जैक्टली यहाँ पे आते आप लोगों को बूस्ट दबा देना होगा। अब भाई जैसे हवा में उड़ना तो आप लोग फटाफट यहाँ पे आके एग्जिट कर लेना होगा, तो आप लोग ये चर्च के अंदर आ जाओगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आने का फायदा क्या है ना यहाँ पे देख सकते हो पोचिंग का पूरा व्यू मिलेगा और भाई यहाँ पे जो स्क्वाड हाउस है ना यहाँ पर आप लोगों को पता है बंदे यहाँ पे ड्रैगन स्पॉन करवाते हैं। पॉइंट नंबर 8 के अंदर भैया जब भी आप पिजन के ऊपर रश मारते हो ना तो आप लोग कुछ इस तरह से मारा करो, अगर आपके साथ पूरा टीममेट है तो भाई यार आप जैसे ही यहाँ से ना भाई गाड़ी जंप करो तो बूस्ट लगा के यहाँ से एग्जिट कर लो और जो आपका डैश वाला पावर है ना फटाफट यूज करके आप लोग काफी ज्यादा इजीली जो मेन बिल्डिंग है यहाँ पे आप लोग रश मार लो।
पॉइंट नंबर 9 के अंदर मैं आपको बताऊंगा, देखो भाई यार ये गाड़ी है ना यार, आप लोग सोच रहे पानी और जमीन पे चलते हैं, लेकिन भाई एक और इसका खास एडवांटेज है, देखो यहाँ पे जैसे ये उबड़ खाबड़ जगह रहती है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वगैरह रहते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा इजीली इसका बूस्ट वाला पावर यूज करके आप लोग काफी ज्यादा इजीली इससे निकल सकते हो। अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि भाई यार आसपास आपके काफी सारे पत्थर है और निकलने की जगह नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इस व्हीकल का यूज करके काफी ज्यादा इजीली निकल सकते हो। पॉइंट नंबर 10 के अंदर भाई यार, जब भी यहाँ पे मेल्टा के अंदर भाई सर्कल बन जाता लास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्जेक्टली लोकेशन देख लो एक बार मैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो कैप्सूल कार भाई यहाँ से सीधा का सीधा जंप करवा के यहाँ बूस्ट दबा देने का और यहाँ पे जैसे वेरोस पे होना तब यहाँ पे गाड़ी रोक लेना होगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे आप लोग अगर चाहो तो अच्छे खासे एंगल बना सकते हो। यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये जो टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच भाई यार ओनली मैंने आप लोगों को कैप्सूल कार के बताए वो कैसे लगे।